स्टार्ट कर रहे हैं हाइपरबोला का पार्ट 3। इसमें हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट्स के बारे में, पोजीशन, हाइपरबोला पर टेंजेंट का इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी और नॉर्मल का कंडीशन और नॉर्मल का इक्वेशन। तो हम लोग आइए इस पर कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला। ठीक है, तो कंसीडर कर लिए एक हाइपरबोला हम लोग, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वन, और एक पॉइंट कंसीडर किए पी एक्स वन वाई वन। अब देखिए अगर कोई हाइपरबोला है तो इस पर एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं हम लोग बाहर में, और देखते हैं क्या कंडीशन आता है। तो बाहर में अगर एक पॉइंट कंसीडर किए, मान लीजिए पॉइंट है x1 y1, और इस पर एक पॉइंट कंसीडर करेंगे तो इसका भी कोऑर्डिनेट होगा x1, लेकिन y चेंज होगा तो हो जाएगा y2। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ से कि y1 का जो मैग्नीट्यूड है वो y2 से ज़्यादा होगा, तो y1 का मैग्नीट्यूड y2 से ज़्यादा है, तो y1 का स्क्वायर भी होगा y2 से ज़्यादा। अब इसमें माइनस चाहिए तो माइनस वाई वन स्क्वायर लेस देन माइनस वाई टू स्क्वायर, दोनों तरफ बी स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो वाई वन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वाई टू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों तरफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर से जोड़ें तो एक्स स्क्वायर यानी एक्स वन स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और यहाँ भी x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर बाय b स्क्वायर, दोनों तरफ 1 माइनस कर देते हैं तो x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 1, और ये हुआ x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर ये 1 2 जो पॉइंट है वो हाइपरबोला पर है, इसका मतलब ये 1 2 पॉइंट क्यू एक्स वन वाई टू लाए ऑन हाइपरबोला, ये हाइपरबोला पर लाए करता है। इसका मतलब एक्स वन स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई टू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब ये चीज जीरो है, और ये चीज क्या हुआ एक्स वन वाई वन एस वन हुआ इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस कोनिक का इक्वेशन, एस वन क्या हुआ लेस देन जीरो हुआ। तो ये बाकी दो कॉनिक सर्कल इलिप्स और पाराबोला ये तीन कॉनिक के रिस्पेक्ट में ये उल्टा साइन आ गया, उसमें अगर पॉइंट आउटसाइड रहता था तो ग्रेटर देन जीरो होता था, इसमें पॉइंट आउटसाइड है तो लेस देन जीरो है। तो इसी तरह सिमिलरली आप ये पॉइंट को पी को यहाँ रख सकते हैं और उस कंडीशन में ये ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ई पॉइंट पी एक्स वन वाई वन लाए इनसाइड आउटसाइड द हाइपरबोला देन एस वन लेस देन जीरो, इनसाइड करेगा तो जस्ट इसका उल्टा होगा इनसाइड द हाइपरबोला देन एस वन ग्रेटर देन जीरो, और लाए ऑन द हाइपरबोला तो एस वन इक्वल टू जीरो होगा। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा बच्चों, इसको आप नोट कीजिए। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ये हाइपरबोला एक बनाते हैं और इस हाइपरबोला का ये जो मेजर एक्सिस है
इसको डायमीटर मान के जो सर्कल पास होगा उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सिलरी सर्कल, ये हम लोग पिछले पार्ट में देख चुके हैं। ये ऑक्सिलरी सर्कल हुआ। अब यहां पर एक पॉइंट है पी और इसका पैरामेट्रिक फॉर्म निकालना है इस पॉइंट पी का, तो यानी इसको हम लोग बोल देते हैं पी थीटा। अब यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे। अब इस परपेंडिकुलर के लिए चूंकि ऊपर से डाले हैं एक टेंजेंट यहां से इसको मिला देते हैं, ठीक। अगर ये पोलर फॉर्म में पी थीटा लिख रहे हैं तो कार्टेशियन फॉर्म में ये एक्स वाई होगा, तो यहां से यहां का कोऑर्डिनेट हो गया एक्स। अब देखिए इसके सेंटर से ऑक्सिलरी इक्वेशन सर्कल के सेंटर से एक इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं और ये एंगल कहलाएगा एसेंट्रिक एंगल, ठीक है। ये एंगल एसेंट्रिक एंगल कहलाएगा। इसका रेडियस ए है और देखिए ये थीटा है, तो ओ और इस पॉइंट को मान लीजिए आप एम और इसको पॉइंट को मान लीजिए एन। ये है आपका ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक। तो यहां से देखिए कॉस थीटा का वैल्यू होगा ए बाय एक्स, तो एक्स का वैल्यू हो गया ए बाय कॉस थीटा यानी ए सेक थीटा, यानी यहां का पॉइंट एक हो गया ए सेक थीटा। अब हाइपरबोला का इक्वेशन देखते हैं, तो ये होता है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। एक्स का वैल्यू यहाँ भरते हैं ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर माइनस वन बराबर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बचेगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो वाई का वैल्यू हो गया बी टेन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से एक दूसरा परपेंडिकुलर अगर कहीं आप डालते, ये थीटा वेरिएबल है जो ये हर क्वाड्रेंट में मूव करेगा, अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये टेंजेंट यहाँ से होके आएगा और इस क्वाड्रेंट के लिए ये थीटा नीचा वाला बनेगा, फिर यहाँ पर पॉइंट लेंगे इसके हिसाब से फिर आएगा अगला एंगल, तो चारों क्वाड्रेंट में ये एंगल मूव करेगा, तो हर एंगल के लिए जो आपका वैल्यू आएगा ए सेक थीटा और बी टेन थीटा ही आएगा। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या हुआ, पैरामेट्रिक इक्वेशन हुआ ऑफ हाइपरबोला इज एक्स बराबर ए सेक थीटा और वाई बराबर बी टेन थीटा। इसको आप नोट कीजिए बच्चों। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट देखते हैं हम लोग, वेरियस फॉर्म ऑफ टेंजेंट्स ऑन द हाइपरबोला, ठीक। तो पहला देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म, ठीक। तो कार्टेशियन फॉर्म में देखते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन है, ठीक है। या कंजुगेट हाइपरबोला भी है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन है, ठीक। दोनों में से कोई भी हाइपरबोला है। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी एक्स वन वाई वन लाय ऑन द पैराबोला ऑन द हाइपरबोला इज, यहां दो एक्स है दो वाई है, एक एक्स हटा के आप एक्स वन डालिए, सिमिलरली एक वाई हटा के वाई वन डालिए
और ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला के लिए। ठीक है, यहाँ भी वही कीजिए, एक एक्स हटा के एक्स वन डालिए, एक वाई हटा के वाई वन डालिए, और ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कंजुगेट हाइपरबोला के लिए। ठीक, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि टी इक्वल टू जीरो, जैसा कि हम लोग सर्कल से पढ़ते आ रहे हैं, एक एक्स हटा के एक्स वन डालना है, एक वाई हटा के वाई वन डालना है, बाकी इक्वेशन यही हो जाएगा। या एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन भरते हैं हम लोग, उससे भी भर के आप देख सकते हैं, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कार्टेशियन फॉर्म में ऐसा ही होगा। दूसरा देखते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, वो भी कुछ नहीं है, यहाँ पर एक एक्स वन की जगह ए कॉस थीटा भरेंगे, यानी एक्स बाई ए स्क्वायर इंटू ए सेक थीटा माइनस वाई बाय बी स्क्वायर इंटू वी टेन थीटा बराबर वन, और यहां से इसको कैंसिल किया, एक्स सेक थीटा बाय ए माइनस वाई टेन थीटा बाय बी इक्वल टू वन। ये पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हुआ। अगला देखते हैं बच्चों नॉर्मल फॉर्म, स्लोप फॉर्म, इसको हम डिलीट कर रहे हैं बच्चों, आप इसको नोट कीजिए। स्लोप फॉर्म को हम लोग देखते हैं, और इस पर बहुत डिटेल में नहीं जाते हुए रिजल्ट ओरिएंटेड देखेंगे। मान लीजिए जैसे हम लोग सर्कल में देखते थे कि इफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट टू द इलिप्स में देखते थे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, तो होता था c का वैल्यू प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा हम लोग करते थे। सिमिलरली इसी तरह हाइपरबोला में सिमिलरली देखें, अगर हाइपरबोला है हम लोग का एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू वन, और उस कंडीशन में देन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी विल बी टेंजेंट ऑन इट इफ सी बराबर प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और यहाँ प्लस बी स्क्वायर था तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, बस यही कंडीशन होता है। आप इसको ये वैल्यू भर के इसमें d इक्वल टू जीरो करके भी रिजल्ट ला सकते हैं, जैसा हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और अगर आपका हाइपरबोला ऐसा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, तो इस कंडीशन में आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बटे माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, देन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी विल बी टेंजेंट टू द हाइपरबोला कंजुगेट हाइपरबोला इफ सी इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ ए स्क्वायर की जगह पर माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ये कंडीशन होता है। तो यहाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हुआ एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हुआ y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। इसको आप नोट कीजिए बच्चों, और अगला कंसेप्ट हम लोग देखते हैं बच्चों, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ऑन द हाइपरबोला
एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ये लाइन अगर इस हाइपरबोला पर टेंजेंट है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ठीक, तो मान लेते हैं पी एक्स वन वाई वन बी ए पॉइंट ऑन द हाइपरबोला। ठीक, और ये लाइन हाइपरबोला पर इस पॉइंट पर टेंजेंट है। ठीक है, तो हम लोग पहले कार्टेशियन फॉर्म से टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं, वो होगा एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। अब ये लाइन अगर इस हाइपरबोला पर टेंजेंट है तो क्या होगा वाई का वैल्यू? एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम लोग इससे कंपेरिजन करते हैं, तो पहले इसको हम लोग इधर ले आते हैं, y माइनस एम एक्स बराबर प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये दोनों एक ही पॉइंट पर टेंजेंट है, तो ये दोनों एक ही लाइन है, तो इसको कंपेयर हम लोग करें तो x का कोफिशियंट है x1 वन बाई ए स्क्वायर, वाई का कोफिशियंट है माइनस वाई वन बाई बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखें x का कोफिशियंट है, इसको अरेंज कर लेते हैं, माइनस एम एक्स प्लस वाई कर लेते हैं, एक्स का कोफिशियंट माइनस एम है, तो लिखिए एक्स वन बाई ए स्क्वायर इंटू माइनस वन बाई एम इक्वल टू, वाई का कोफिशियंट है माइनस वाई वन बाई बी स्क्वायर, तो माइनस वाई वन बाई बी स्क्वायर बाई वन, और इसका कोफिशियंट है वन बाय प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो देखिए इसको अगर इससे बराबर कीजिएगा, एक्स वन का वैल्यू होगा माइनस ए स्क्वायर एम बाय रूट ओवर यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर एम बाय ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और y1 का वैल्यू यहाँ अगर ले जाइएगा तो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाय रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस माइनस। तो अगर दोनों को एक साथ लिखा जाए तो x1 y1 जो होगा वो होगा प्लस माइनस ए स्क्वायर एम बाय रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का कोऑर्डिनेट आएगा बच्चों। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, इसको आप नोट कीजिए बच्चों, और ये पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के कोऑर्डिनेट को मेमोराइज कर लीजिए, इससे बहुत सारा सवाल तुरंत सॉल्व हो जाता है। अगला हम लोग देखें, अगला देखते हैं डायरेक्टर सर्कल। ये होता है लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। इसका मतलब अगर किसी हाइपरबोला पर किसी बाहरी पॉइंट से आप टेंजेंट डालते हैं, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है और ये टेंजेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये पॉइंट बाहर में है तो हम लोग स्लोप फॉर्म का यूज करेंगे, जैसे कि बाकी सब कोनिक में हम लोग यूज किए हैं। अगर आपका पॉइंट किसी भी कोनिक से बाहर है तो आप स्लोप फॉर्म का यूज कीजिए, क्योंकि ये पॉइंट बाहर में है बच्चों तो हम लोग स्लोप फॉर्म का यूज करेंगे जैसा कि हम लोग बाकी कोनिक्स में करते आए हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये इक्वेशन इस पॉइंट से पास कर रहा है, ये जो टेंजेंट का इक्वेशन है ये अल्फा बीटा से पास कर रहा है, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा एम अल्फा प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लेफ्ट में लाते हैं तो बीटा माइनस एम अल्फा का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं
तो बीटा स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस टू एम अल्फा बीटा बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग सबको लेफ्ट में ले आते हैं, तो एम स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा इंटू एम प्लस बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ये m में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट है m1 और m2, ये दोनों रूट का प्रोडक्ट बी स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्या है, ये दोनों स्लोप जो है दूसरे के परपेंडिकुलर है दोनों लाइन, तो इस दोनों का स्लोप होगा माइनस वन, तो बीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसा होगा। तो यहां से अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, बीटा स्क्वायर यहां से हम लोग देख लें एक बार कहीं गलत तो नहीं है, हम लोग ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एम अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा इंटू एम बीटा स्क्वायर जो बी स्क्वायर सी बाय ए लोकस इस पॉइंट का, सो लोकस ऑफ पी अल्फा बीटा इज अल्फा की जगह एक्स और बीटा की जगह वाई बैठाएंगे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे क्या पता चला, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये बताता है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर जो है वो सेम एज कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ हाइपरबोला है, और रेडियस जो है वो रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो आप इसको नोट कीजिए बच्चों, हाइपरबोला का डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट वही होगा जो इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा, इसका भी सेंटर जीरो जीरो है, इसका भी सेंटर जीरो जीरो है, और रेडियस जो है रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो आप इसको नोट कीजिए, और अगला फाइनल पॉइंट देखते हैं नॉर्मल टू द पैराबोला हाइपरबोला। नॉर्मल एन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला, इसको भी हम लोग ट्रिकी रूप से ही दिमाग में रखेंगे जैसा कि इंग्लिश में रखे थे। तो अब देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी एक्स वन वाई वन ऑन द हाइपरबोला, क्या करेंगे इलिप्स के इक्वेशन में, इलिप्स के इक्वेशन में ऐसा था बीच में प्लस साइन था तो हम लोग माइनस लगाए थे बराबर करने के लिए, वहां पर हम लोग किए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हाइपरबोला का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ठीक है, यहाँ इलिप्स के इक्वेशन में यहाँ माइनस था प्लस था तो यहाँ हम लोग माइनस यूज किए थे, यहाँ माइनस है तो हम लोग प्लस यूज करेंगे। ठीक है, अब लेफ्ट वाले में इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x बाय x1 और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे y बाय y1, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा x बाय x1 इंटू ए स्क्वायर प्लस y बाय y1 इंटू बी स्क्वायर y बाय y1 इंटू बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया बच्चों इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसको ट्रिकी रूप से भी दिमाग में रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, और नहीं तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं, इस पर टेंजेंट का इक्वेशन निकालें किसी पॉइंट एक्स वन वाई वन पर स्लोप निकालें, फिर नॉर्मल का स्लोप माइनस वन बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट
और फिर इक्वेशन y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन करेंगे, यही इक्वेशन आएगा। लेकिन इसको मेमोरी में रखने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक है इस तरह आप दिमाग में रखें। इसी तरह पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो सकता है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मेरे हिसाब से सिर्फ यही इक्वेशन भी अगर आप दिमाग में रखें तो नॉर्मल का सारा सवाल बन जाएगा फिजिक्स में, जो प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ है और मेंस में भी और एडवांस में भी, सिर्फ इसी इक्वेशन से सारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करेंगे आप, एक्स वन को ए सेक थीटा और वाई वन को बी टेन थीटा वो यहाँ भर दीजिए आप, तो एक्स बटे ए सेक थीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस वाई बटे बी टेन थीटा इंटू बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर रूट बी स्क्वायर। अब यहाँ से एक बी कैंसिल कीजिए, यहाँ से एक कैंसिल कीजिए, तो ए एक्स बाई सेक थीटा बी वाई बाई टेन थीटा बराबर ए स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं ए कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस बी कॉट थीटा इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों हाइपरबोला से रिलेटेड खास करके मेंस से मेंस में जो आने वाला जितना भी सिलेबस है उसके आधार पर हाइपरबोला से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने इसमें पूरा कर लिया है। अब आने वाले वीडियो में हाइपरबोला से रिलेटेड जितना भी सवाल है, टेंजेंट, नॉर्मल और भी जो हम लोग टॉपिक पढ़े उससे रिलेटेड सारा सवाल हम लोग देखेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। तब तक मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों।